इनके नेल्स वेल्स देख रहा था मैं, बोला नेल्स बहुत शानदार है। टेडी बेयर, वेरी टेडी बेयर। अच्छा ये टेडी बेयर दिख रहा है क्या आपको? हाँ कोई वन सीट विंडो सीट दे दो कोई। हाँ पैसा कार्ड नहीं है, पैसा है कैश। हाँ कैश, हाउ मच? अरे ये बंदर के तीन तीन पाव। अच्छा सॉरी। हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। और स्वागत करता हूँ आप सभी का एक नए वीडियो में कोरिया सीरीज के। इस वक्त हम बुसान को, इस वक्त हमारी हॉस्टल को छोड़ के जा रहे हैं एक नए शहर में कोरिया के। जी हाँ, हमने सोल देख लिया, हमने बुसान देख लिया और अभी हम एक और नए सिटी को एक्सप्लोर करने वाले हैं कोरिया के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसका नाम है ग्योंगजू। ग्योंगजू करके शहर है जो माना जाता है कि पहले, माना नहीं रियल है कि पहले ये कैपिटल हुआ करता था, मतलब जब नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया एक थे ना, तो इसका नाम था, ये किंगडम का नाम था सिला। ठीक है, ये जो पूरा सिला था ना, इसका कैपिटल था ग्योंगजू। तो ग्योंगजू एक काफ़ी शानदार शहर होगा हिस्ट्री के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से, काफ़ी कुछ चीज़ें हमें देखने मिलेगी, तो मज़ा तो आना लाजमी है और जाना भी लाजमी है ना। यहाँ से वो किलोमीटर की बात करें तो 75 to 80 किलोमीटर्स है, और यहाँ से मैं अभी बस पकड़ के जाऊँगा बिकॉज कैसा है ना कि आप ट्रेन से भी जा सकते हो, बस से भी जा सकते हो, लेकिन ट्रेन बुसान स्टेशन से जाती है। अब यहाँ से मेट्रो पकड़ूंगा, वहाँ से बुसान स्टेशन जाऊँगा, फिर बुसान से पता नहीं कितने बजे की ट्रेन है, क्या है, मैंने चेक भी नहीं करा है ना ही किसी से पूछा है, लेकिन मेरे हॉस्टल वाले ने बता दिया था कि बसेस, जो कि ये ह्युंडई मेट्रो है ना, ये इलाका ह्युंडई है, तो यहाँ से जो मेट्रो स्टेशन है ना उसी के जस्ट पीछे बस स्टॉप है, बस स्टैंड है बेसिकली, जहाँ से आप बसेस पकड़ सकते हो। मैंने सोचा ये बढ़िया रहेगा बस पकड़ने का, क्योंकि लिए 10 मिनट बाय वॉक ही है जो मेरे हॉस्टल से, ये क्या बोलते हैं, बस स्टॉप, तो बस पकड़ के 1.5 घंटे में पहुंच जाऊंगा ग्योंगजू। अब बजे है 11:20 और बस की टाइमिंग है 11:50, क्योंकि हॉस्टल वाले ने मेरे को बस का टाइम टेबल भी दिया है, मैं स्क्रीनशॉट बाजू में दे देता हूँ। हर 1.5 घंटे में बसेज है, तो फिर क्या ही दिक्कत है, बस पकड़ के जाना ही ठीक है, और हमें बस का भी अनुभव हो जाएगा इंटरसिटी बसेज का। ऊपर एक तो कब से वो आवाज़ आ रही है, कोई प्लेन उड़ रही है या फिर पता नहीं कोई रॉकेट वॉकेट उड़ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सोल जा रही है, इसे सोल का लगा हुआ है बोर्ड। एक्सक्यूज मी ग्योंगजू दे, ओके थैंक यू। सोल का कितना, 4 घंटा लगाती होगी बस। बुलेट ट्रेन से तो अच्छा ही है, ठीक है बुलेट ट्रेन एक बार एक्सपीरियंस करना है, ओके टीएक्स फास्ट तो कर सकते हो, बाकी 3600 बहुत एक्सपेंसिव है। बस जिंदाबाद या फिर नॉर्मल ट्रेन रहेगी वो जिंदाबाद, वो 2000 के अंदर अंदर ही रेट लगाएगी और 2 घंटा एक्स्ट्रा लेगी, 1.5 घंटा एक्स्ट्रा लेगी, लेकिन पहुँचा देगी आपको एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन। इसमें से कोई तो बस जाएगी, लेकिन सबसे ग्योंगजू 10 मिनट। अच्छा टिकट, फर्स्ट एक टिकट, ओके थैंक यू। पहले टिकट ले लेते हैं ऐसे मशीन से। हाँ कोई वन सीट विंडो सीट दे दो कोई। हाँ पैसा कार्ड नहीं है, पैसा है कैश। हाँ कैश, हाउ मच? 10,000 won, ओके। वापस आ गया, अरे तेरी ऐसी की तैसी। थैंक यू। 11:50। अच्छा इधर ही रुकू, अच्छा इधर ही रुकता हूँ, ओके थैंक यू सो मच। अनियोंग, वाह 11:50 की बस है, मैं आ गया था 11:30 बजे, मतलब निकल गया था 11:20 को, अभी 11:30 में, मतलब 20 मिनट पहले जाना अनिवार्य है, क्योंकि फिर टिकट लेना, फिर लाइन में लगना, पता नहीं बैठने मिले नहीं, कुछ आइडिया नहीं रहता है ना अपने को, बस वही बात है। अभी 10 मिनट बाद बस आएगी और अपने को विंडो सीट भी मिल गई है, 10,000 won यानी कि 600 रुपीज के भी अंदर अंदर मिल गई, तो सस्ती है टिकट तो। बाय बाय, थैंक यू। ये बस आ गई, बस आ गई। बड़ा वाला बैग अंदर घुसा दिया, छोटे बैग के साथ हम घुसते हैं अंदर, ठीक है देखते हैं कैसी होती है बसेस की। अरे वाह जोरदार है सीट तो, 15 नंबर की सीट है, 9, 10, 11, 12, 13, 15। ये बस का कंफर्ट लेवल है ना कड़क है बॉस, बिकॉज 2 बटन है यहाँ पे, एक ये दबाने से ऐसा ऊपर आ जाता है और दूसरा दबाने से सीट पीछे चला जाता है, मतलब लिटरली आप पूरा सो के जा सकते हो।
जी पहुंच गए ग्योंगजू फाइनली। 75 किलोमीटर का रास्ता सिर्फ 1 घंटा 10 मिनट लगाया, मतलब आप सोच सकते हो कितनी मस्त स्पीड थी। और ओए होए क्या रास्ते थे, एकदम मैं ट्रीज को देख पा रहा था, कलरफुल येलो ग्रीन रेड ऑरेंज पत्तियां शानदार थी, मतलब क्या ही कहूँ। और ग्योंगजू भी जैसे ही पहुंचा तो एकदम शानदार लग रहा है, मतलब खुला खुला सा लग रहा है, और जो कंस्ट्रक्शन है वो भी बहुत ही अलग है। तो ये जो बस स्टैंड है वहाँ से मेरा हॉस्टल थोड़ा सा दूर है, गूगल बाबा बता रहे कि 300 नंबर की बस पकड़ो, पब्लिक बस, और आप पहुंच जाओगे 6 मिनट में आपके हॉस्टल में। बता दूं यहाँ पे वाईफाई हर जगह है, पब्लिक वाईफाई, बहुत बढ़िया चीज़ है ये खोरिया की। ये मोहतरमा ने बताया कि 300 नंबर की बस आए ना आए क्या पता, लेकिन ऐसे ग्रीन बसेस आती रहती है, तो 50 नंबर की बस पकड़ो, उसी में मैं भी जा रही हूँ। इज दिस रियल नेल्स? लाइक व्हाट इज दिस? टेडी बियर? स्टिकर? ये मोहतरमा का नाम है पाकावन। पाकावन राइट? ये बुसान रहती है, अभी कुछ काम के लिए आई रहेगी, तो इन्होंने कहा कि आप 300 नंबर की बस मत पकड़ो, मेरी बस पकड़ो, आई मीन 50 नंबर की बस, बिकॉज 300 नंबर की बस हर आधे घंटे पौने घंटे में आएगी, 50 नंबर की बस है हर 5-5 मिनट में आती है, तो उसी में ही आप सवार हो जाओ और 5 मिनट में आप पहुंच जाओगे आपके डेस्टिनेशन पे। मैंने कहा थैंक यू सो मच। आ गई 50 नंबर आ गई। नेक्स्ट स्टॉप बाय बाय। चलो किधर है मेरा हॉस्टल। चलो जी बस ने उतारा वहां पे, वो स्टॉप पे, और वो जो व्हाइट बिल्डिंग है ना वो रहा हॉस्टल। तो ऐसा कुछ है हॉस्टल का एंट्री, मज़ेदार है, मतलब सारी चीज़ें सारी एक्टिविटी है, और booking.com में जैसे कि मैंने पहले ही कहा था मैं देखता हूँ रेटिंग्स और प्राइस दोनों बढ़िया रहती है तभी बुक करता हूँ। यहाँ मेरे को 3 रात का लगा है 50,000 won, तो आप कह सकते हो कि 3,000 रुपया, मतलब दिन का 1,000 रुपया सस्ता है, क्योंकि अगर दूसरे अगर कंपेयर करूँ इस इलाके में सब महंगे, बिकॉज ये टूरिस्ट इलाका है, मतलब यहाँ पे इंडियंस वगैरह तो कम ही आते हैं, लेकिन फॉरेनर्स जो यूरोपियंस क्राउड है ना, यूएस की क्राउड, वो यहाँ ज़्यादा आती है, बिकॉज हिस्ट्री है ना, कल्चर है ना, उनको वही तो पसंद है। बस इन्होंने कहा कि आप जल्दी आए हो 1-2 घंटा, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आपका बेड खाली है तो आपको अब भी चेक इन करा देता है। मैंने बोला और क्या चाहिए। तो सीरियल्स? या सीरियल्स वुड बी फाइन। अरे ब्रेकफास्ट भी फ्री, मेरे को तो पता ही नहीं, मैंने चेक भी नहीं करा था, तो मैंने कहा कि वेजिटेरियन में क्या क्या मिल जाएगा, इन्होंने कहा दूध मिल जाएगा, जूस मिल जाएगा और सीरियल्स मिल जाएगा। तो वाईफाई पासवर्ड दिस ईयर? ओके, पासवर्ड ये रहा वाईफाई का। ओके, आई कैन यूज दैट? ओके, दैट्स अ यूज मेटल ट्रेन। या श्योर। ओके, ग्रेट। आल्सो वी हैव द डाउन हियर, द रेस्ट एरिया। रेस्ट एरिया? या। ओके, हियर एंड डाउन हियर विल बी ओपन 24 आवर्स। 24 आवर्स ओपन। अच्छा, ये कॉमन एरिया है भाई? Yes. We have both games here. Okay. And the tour that is over there, that tour. Okay. And also we have the old video games. Wow, video game भी है। जोरदार हॉस्टल मिला रहा है 1,000 रुपए में तो। अच्छा, हॉस्टल का नाम नहीं बताया ना, देख लो, दुबाकी गेस्ट हाउस, ठीक है? Nice. Okay, thank you so much. Bye bye. ये है बाथरूम, ये है मेरा कमरा, अच्छा 4 बेड का डॉम है, और ये ऊपर वाला मेरा है। चलो बढ़िया है। ये मिस्टर बीन वाला है ना टेडी बियर? मिस्टर बीन वाला, लेकिन दो दो है, एक बड़ा एक छोटा है मेरे हिसाब से। अरे ट्वीटी, ले 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 ले। मेरे को तो बहुत अच्छी लगी हाँ ये स्ट्रीट, कुछ भी बोलो, मतलब आप देख लो एकदम साफ सुथरी तो है ही है, खैर साफ सुथरे तो होते ही है ये सब देश, लेकिन फिर भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, चाहे वो कैफ़े ले लो, दुकानें ले लो, कुछ अलग है इसमें, है ना? अरे ये बंदर के 3-3 पाव। अच्छा सॉरी, तो बस अभी भूख लग गई तो सोचा नीचे हो आता हूँ, वेजिटेरियन या वीगन ऑप्शंस देखे इंटरनेट पे, तो एक मिला मुझे जो कि 1 किलोमीटर की दूरी पर था। मैंने सोचा कि बाय वॉक 1 किलोमीटर कम ही है, क्या ही दिक्कत, चलते चलते रास्ते भी देख लूँगा और गलियाँ भी देख लूँगा और नज़ारे भी देख लूँगा, है ना?
ये हम आ चुके हैं वीजी वीगन रेस्टोरेंट में, और ये सब मेन्यू है आप देख लो। पोटैटो चिया बाबा, बाबा 3000 वॉन का, ये 4000 वॉन का, ये चीज़ बैंकेट 6500 वॉन का, 4.5 था लेकिन 2000 वॉन बढ़ा दिया, ठीक है चलो कोई नहीं। ये तो रही ये सब, और यहाँ पे एक और मेन्यू भी है जो कि मतलब सब खाना वाना है 13000 वॉन। ये थोड़ा महंगा लग रहा है, मतलब 13000 वॉन यानी कि 800 रुपीज़, 900 रुपीज़ ऐसा सब है। सो मेक दिस वन फलाफल। अभी बस इंस्टाग्राम में लाइव गया था, ये रहा आई एम प्रतीक जैन, अगर नहीं करते हो फॉलो तो कर देना। और फिर खाना भी आ गया, ये रहा फलाफल, बड़ा ही टेस्टी है यार, आई मीन क्वांटिटी भी अच्छी है, और ये साथ में फ्रेंच फ्राइज फ्री में दिया है, कॉम्प्लीमेंट्री। इसमें बहुत सारे वेजिटेबल तो है ही है, और साथ साथ एप्पल के स्लाइसिस भी है, और ये चिक पीस का है, मतलब बहुत ही यमी है सारा जो कॉम्बिनेशन है ना, पूरा फ्लेवरफुल आ रहा है, बहुत यमी है, और व्यू तो अमेजिंग है ही है यार। यार काफ़ी टाइम बाद किसी वीगन रेस्टोरेंट का खाना मेरे को पसंद आ रहा है, सच कह रहा हूँ। मतलब पिछले दिनों में जो भी वीगन रेस्टोरेंट के एक्सपीरियंस थे ना, इतने वो नहीं थे। यहाँ पे टेस्ट भी अच्छा था, क्वांटिटी भी अच्छा, और रेट भी अच्छा, तीनों का कॉम्बिनेशन परफेक्ट था, और जगह तो अच्छा है ही है। मतलब इसकी मैं तारीफ कर करके थकूँ तो भी इसमें कोई दो राय नहीं होगी, मतलब आप देख लो, टूरिस्ट ही है, प्रॉपर टूरिस्ट ही है। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ लोकल्स तो बहुत है, फॉरेनर्स भी है, यूरोपियंस वगैरह, लेकिन लोकल्स भी बहुत आते हैं कोरिया से, जगह जगह से इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए, बिकॉज ये एंशियंट कैपिटल था जब ये सिल्ला, जो मैंने आपको एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुका है ये वीडियो की शुरुआत में, तो वही बात है। अब ये सारे अट्रैक्शंस है, नज़दीकी है, ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब पूरा ऐसा चक्कर मारूंगा ना फिर भी हो जाएगा। हो सकता है कि कल मैं ये घूमूं इसको, और घूमते घूमते ग्रीन सिग्नल है तो चला जाता हूँ सामने, और हो सकता है कि एक घंटे के लिए मैं वो इलेक्ट्रिक बाइक नहीं रहती है वो मैं रेंट ले लूँगा, 10,000 वॉन है एक घंटे का इलेक्ट्रिक बाइक। और ये जो आप पीछे देख रहे हो इसमें दो लोग बैठ सकते हैं, इलेक्ट्रिक है ये भी, इसका 20,000 वॉन है एक घंटे का, मतलब 1200 रुपया। ऑटम का महीना है, नवंबर का महीना बहुत खूबसूरत होता है कोरिया में, पत्तियाँ गिरती है और झाड़ का कलर चेंजेस होते रहता है, वातावरण एकदम शुद्ध है, क्योंकि काफ़ी सारी गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक है कार, ठीक है, किया मोटर्स या की है ना, किया मोटर कोरिया की, तो इलेक्ट्रिक कारें बहुत है, जितनी भी मैं किया मोटर्स की देख रहा हूँ लगभग लोग इलेक्ट्रिक ही चलाते हैं, जिसकी वजह से वातावरण अच्छा है इधर। देखो मैं हमेशा कहता हूँ कि दो चीज़ें जब मिलती है ना तो क्या ही कहना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कुदरत अपना साथ देती है, जैसे कि आसमान का कलर देख लो, झाड़ के पत्ते देख लो, मतलब सारी चीज़ें देख लो, और इंसान जब साफ़ सुथरा रखता है ना, मतलब कचरा वगैरह नहीं फैलाता है ना, बस ये दो अगर कॉम्बिनेशन मिलते हैं ना तो जगह स्वर्ग से कम नहीं लगती है, सच कह रहा हूँ। तो हमारा फर्ज बनता है कि साफ़ सफाई रखा करो, और कुदरत अपने आप हमारा साथ देगी और बेहतरीन बनाने को जगह को। तो बस वापस अपनी हॉस्टल ही जा रहा था कि रास्ते में एक शॉप दिख गई, मैंने सोचा कि पानी की बोतल और कुछ स्नैक्स ले लेता हूँ, तो काका ने बोला कि ये ले लो, वेजिटेरियन ही और गेहूं का है, मस्त हेल्दी। मैंने कहा कि ठीक है 1000 वॉन का है तो दे दो, उन्होंने कहा कि एक नहीं 3 पैकेट 1000 वॉन के, तो मेरे को 3 पैकेट दिए 1000 वॉन यानी कि 60 रुपीज़ हो गया, और पानी की बोतल 600 वॉन की यानी कि हो गया टोटल 100 रुपीज़ से भी कम। कोरिया में 100 रुपये से भी कम मेरे को इतनी चीज़ें पहली बार मिली है, सच कह रहा हूँ।